नमस्कार दोस्तों, फिर से एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन के साथ आज चर्चा करेंगे हम लोग दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या जिसे हम लोग मोस्ट कॉमनली म्यूरियाटिक एसिड या एसिड म्यूर के नाम से ही बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही नोन HCl नाम से जाने वाला ये फॉर्मूला है दोस्तों। होम्योपैथी में प्रैक्टिस की जाने वाली दवाओं में से एक बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज वाली दवाओं में से एक ये दवा है। किन किन रोगों में या किन किन समस्या में हम इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एक एक करके इसकी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अगर इम्पोर्टेंट लगे तब तो जरूर ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों म्यूरियाटिक एसिड जो है एसिटिक ग्रुप में आती है, तो इसलिए अपना ये एसिड अम्ल वाला जो नेचर है उसे बरकरार रखती है। अगर आपको ऐसे पेशेंट मिल जाते हैं जहां पर पेशेंट को बहुत ही सीवियर बुखार हो रखा है, चाहे वो टाइफाइड हो, जो कि बहुत कॉमन है टाइफाइड बुखार, वायरल फीवर के बाद, जो कि सीजन चेंज होता है तो वायरल फीवर होता है, 4 से 5 दिन पेशेंट को माइल्ड टू हाई ग्रेड फीवर बना रहता है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा होने वाला बुखार है वो है टाइफाइड, उसके बाद डेंगू मलेरिया, बट कोई भी कैटेगरी का अगर बुखार है, पेशेंट सीवियरली बेड पे पड़ा रहता है दिन रात, बहुत आलस वाला हो गया है, बहुत कमजोर महसूस करता है। दो सिम्टम यहाँ पर बहुत मेन आते हैं कि पेशेंट की जो सांस की स्मेल है वो बदबू आने लगती खट्टी, चूंकि एसिडिक नेचर है तो सावर स्मेल, अगर खट्टी बदबू आने लगी है सांस में से एक, और दूसरा पेशेंट दिन भर बेड पे पड़ा रहता है और कराहता रहता है, मॉर्निंग साउंड, नींद में पेशेंट आधा नींद में है और करा रहा है, इतना ज्यादा बदन दर्द कह लीजिए या सोरनेस हो तो कराहट, अगर पेशेंट करा रहा है और ऑफेंसिव स्मेल खट्टी, आपको सांस की स्मेल अगर खट्टी अगर पता चलने लगी है, म्यूरियाटिक एसिड 30 पावर में सुबह दोपहर शाम दे, नेक्स्ट डे से दोस्तों आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी फीवर के केस में मैंने हमेशा बताया दोस्तों, 3 या 4 मदर टिंचर हैं जिनको मेन मेडिकेशन म्यूरियाटिक एसिड के जो 2 सिम्टम मैंने बताए, अगर ये आपको लगते हैं तो जरूर दे, साथ ही साथ मदर टिंचर को भी ऐड कर दे, टीनोस्पोरा जिसे गिलोय का मदर टिंचर कहते हैं, एजाडिरिक्टा नीम का मदर टिंचर, और चाइना मदर टिंचर जिसे सिंकोनो ऑफिसिनालिस मदर टिंचर भी कहते हैं। इसके अलावा भी मदर टिंचर है दोस्तों, बट ये 3 मदर टिंचर एक में मिक्स करके 10 बूंद सुबह दोपहर शाम मरीज को जरूर देना शुरू कर दे। बाकी आपको अगर एसिड म्यूर के सिम्टम लगते हैं तो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम इसे जरूर दे, जो कि 2 मेन सिम्टम है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पेशेंट की सांस की जो स्मेल है बदल जाएगी, खट्टी स्मेल आने लगेगी, दूसरा पेशेंट नींद में कराहता रहता है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते, बहुत अच्छा केस बनता है छोटे बच्चों में, 1 साल 2 साल के बच्चे या बुजुर्ग में ले लीजिए, अगर ज्यादा प्रेशर लगाने पर चाहे पेशाब या लैटरिंग के समय फर्स्ट ग्रेड रेक्टल प्रोलैप्स, आपकी आंत का हिस्सा लैटरिंग के रास्ते थोड़ा सा बाहर आ जाता है और लैटरिंग करके जब आप उठते हैं तो धीरे 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 अंदर चला जाता है, जिसे हम लोग फर्स्ट ग्रेड रेक्टल प्रोलैप्स बोलते हैं। अगर दोस्तों हाथ से ढकेलना पड़ रहा है आंतों को वापस, तो ये सेकंड ग्रेड में चला जाता है। अगर फर्स्ट ग्रेड है दोस्तों, एसिड म्यूर 30 पावर में सुबह दोपहर शाम लगातार बच्चे को और बड़े को सेवन करना कंटिन्यू कर दे। बच्चों से मेरा मतलब है 1 साल या 2 साल के बच्चे भी आप ले सकते हैं, और बड़े से 60 साल के अबव के लोग जो कि पेशाब या फिर लैट्रिन पे ज्यादा प्रेशर लगाते हैं और रेक्टल प्रोलैप्स से परेशान रहते हैं, मैक्सिमम बच्चों और बड़े लोगों को 60 के अबव बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एडल्ट की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि उनमें केस बहुत कम ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा केस मिलता है दोस्तों, ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन माउथ के अंदर, जिसे ल्यूकोप्लेकिया की कैटेगरी में रखा जा सकता है, बट ल्यूकोप्लेकिया मोस्टली आप देखेंगे सफेद या लाल सफेद रंग से, रेडिश व्हाइट कलर मिक्स होके पैचेस आपको जीभ या गम्स के आसपास मसूड़ों पे दिखते हैं, बट अगर ये पैच आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है दोस्तों, और मुंह की जो स्मेल है फिर से खट्टी आने लगी है, आपकी सांसों की स्मेल और ब्लैकिश कलर का पैचेस दिख रहे हैं दोस्तों, म्यूरियाटिक एसिड अकेली एक दवा है जो इस समस्या का समाधान कर सकती है। 30 पावर में सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दें, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2 से 3 ड्रॉप सीधे जबान पे लेना है, थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके भी आप ले सकते हैं, अगर डायरेक्ट जबान पे लेने पे आपको स्वाद अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट और लास्ट केस की अगर बात करें दोस्तों, स्पेशली फीमेल्स में होने वाली पाइल्स की समस्या, अगर आपको लैटरिंग टाइट होती है या लैटरिंग सॉफ्ट होती है, मेन सिम्टम ये है कि पाइल्स में आपका जो एनएस वाला एरिया है बहुत ज्यादा सोर हो गया, ऐसा लग रहा है कि घाव हो गया, छिल हो गया, हालांकि हुआ कुछ नहीं है वहां पर, पेशेंट जब फील करता है छूता है तो उसे कुछ घाव जैसा नहीं महसूस होता है, बट पेन की जो इंटेंसिटी है ऐसा लगता है कि छील दिया गया है, सोरनेस डेवलप हो गई है, चाहे लैटरिंग टाइट हो या सॉफ्ट, एक गौर देने वाली बात है। पतली लैटरिंग के साथ भी अगर आपको पाइल्स की समस्या हो गई है दोस्तों और सोरनेस मार्क्ड है, स्पेशली फीमेल्स में पाइल्स अगर है और सोरनेस बहुत ज्यादा बनी हुई है,
30 पावर में फिर से सुबह दोपहर शाम अगर आप लेते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। ये चार सिम्टम बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको दे देंगे, चाहे टाइफॉइड हो, चाहे वो हमारा पाइल्स का केस हो या प्रोलैप्स का केस। ये सारे जो केसेस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं प्रैक्टिकली देखे हुए हैं, तो इन दवाओं को एक बार ट्राई करके जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।